हेलो दोस्तों, आज आपको हम दिखाने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जैसे कि नए लैपटॉप। जैसे कि मैंने नया लैपटॉप लिया है तो उसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको नए नए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पहले वीडियो मैं मोबाइल से क्रिएट करता था, लेकिन अब आपको वीडियो है जो कि आपको लैपटॉप से ऐड करके मिलेगी। जैसे ये देख सकते हैं, मैंने जैसे कि हमने इसका बॉक्स वगैरह निकाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा नया लैपटॉप है, HP का है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये कंपनी देख सकते हैं HP। शायद उसमें उल्टा दिख रहा होगा कैमरे में उसका उल्टा दिख रहा होगा, जैसे उल्टा भी होगा इधर से देख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि इसमें ये थोड़ा चमक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये नया है बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी कोई स्क्रैच वगैरह बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये थोड़ा चमक ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम इसको दिखाते हैं, ओपन करके देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक बार ट्राई कर भी लिया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हम अनबॉक्सिंग भी कर चुके हैं। जैसे कि ये थी, देखिए यहाँ पर ये चीज़ इसके नीचे लग के आई थी, ये चीज़ था जो इसके नीचे लग के आया था, ये लैपटॉप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी दिन पहले इसको, मतलब यहाँ पर काफ़ी दिन पहले, मतलब लैपटॉप का लेने के लिए सोचा था, लेकिन हमने पहले मोबाइल ले लिया था, इसलिए इसको बाद में लिया। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको हम आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा विंडो 11 है, या फिर विंडो 10 है, या विंडो जैसे 8 या 7 है। तो इसके थ्रू जैसे कि हमने इसमें देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ओपन करके। जैसे ये है सिस्टम एक, और ये चीज़ आपको दिखाते हैं हम, और इस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अपडेटेड, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। जैसे कि इसमें थोड़ा ये भी दिख रहा होगा इस प्रकार से, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ इसको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर इसका जो मैंने ये चीज़ है वो यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि ये चीज़ इसमें लग कर नहीं आती है, जैसे इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये होता है इसकी सेफ्टी के लिए, या इसके इसमें धूल मिट्टी ना जाए, इसके लिए सेफ्टी होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा 15:8 का इसका स्क्रीन बड़ा है, एकदम मस्त इसका स्क्रीन भी बड़ा है, हर चीज़ इसकी बड़ी है, हर चीज़। यानी कि ये कोर i5 है, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है वो 50,000 से प्लस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर बटन मिलता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक पैड के थ्रू ही दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि इस लैपटॉप को हम कितना फोल्ड कर सकते हैं, इस प्रकार से देखिए, इतना फोल्ड कर सकते हैं। पहले वाले लैपटॉप इतने फोल्ड नहीं होते थे, ये इतना लैपटॉप को फोल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने इसको यूँ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि ये स्टार्ट अभी नया है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये स्टार्ट है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको दिखाते हैं, यहाँ पर अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने वीडियो बनाया है, जैसे कि लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, या कि वो चीज़ सही नहीं है, वीडियो बनाना सही नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि बनाना तो कुछ नहीं, वीडियो बनाने से मतलब होता है बस, वीडियो बनाओ। यहाँ पर देखिए, हमने ये स्टार्ट कर दिया, इसमें थोड़ा टाइम आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये बाहर से ही लिखा हुआ है टाइम। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको यूज कर लिया है, यहाँ पर हमने यूज कर रखा है। जैसे कि हम इसको करते हैं स्टार्ट, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड वगैरह मैंने सेट कर रखा था, क्योंकि लैपटॉप आने के बाद या फिर मोबाइल उसको यूज तो करते ही हैं, तो यूज करने के और नई स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जो विंडो 11 की स्क्रीन है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि विंडो 11 की यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जैसे स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। यार देखिए, जैसे कि हमने इसके लिए फोटो भी क्लिक कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर, आप इसको देखिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज को कर ही सकते हैं। जैसे कि इसका टच स्क्रीन तो नहीं है, इसमें एक कैमरा भी दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक कैमरा भी इसमें दिया गया है,
जिससे कि थोड़ी बहुत आप लाइव को कर सको या फिर इसमें एडिटिंग भी कर सको। यहाँ पर देखिए फंक्शन भी अपलोडेड है यहाँ पर, जैसे कि हमने इस जैसे कि इसकी एप्लीकेशन को भी यहाँ पर अब जैसे डाउनलोड करके रखा है और इसको हमने चेंज भी कर दिया है। ये चीज़ चेंज है, ये देख सकते हैं इसमें शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये वीडियो है ना उल्टा बनता है, ये क्योंकि सामने वाले फ्रंट कैमरे से बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि रियर कैमरा यहाँ पर देखिए, तो हम इसका दिखाते हैं कैमरा, कैमरा दिखा देते हैं आपको कि इसका कैमरा कैसा होता है। यहाँ पर थोड़ा हम क्योंकि पैड पहले कैसे पैड था दबा के चलाना, लेकिन इसमें टचिंग होता है बिल्कुल। ओह सॉरी, हाँ ये रहा ठीक है। इसका जैसे कि बोलते हैं कि लैपटॉप कैमरा काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये कैमरा सही आता है या गलत। ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने ये चला रखा है ठीक है, आपके सामने जो भी है कैमरा हमने ये देख सकते हैं, वीडियो चल रहा है इसके सामने। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस हम कैमरे को बंद कर देते हैं ठीक है। यहाँ पर और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कुछ भी यूज करते हैं तो इसमें देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर सब कुछ इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एकदम क्लियरली चल रहा है। इसमें क्या 8 GB रैम से ज़्यादा है, 8 GB रैम यानी प्लस है और 8 GB प्लस। उसके बाद इसमें जैसे कि 1 TB का प्लस है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि हम इसको यूँ करते हैं फोल्ड और यूँ कर लेते हैं ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये देखिए ठीक है, इस प्रकार से देखने को यहाँ का पीछे का लुक भी इसका बहुत मस्त लगता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, जैसे ये चीज़ देखिए है कि नहीं अच्छा है। लेकिन इसकी मोटाई भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्लिप है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मोटाई बिल्कुल स्लिप है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी नीचे भी मोटाई बिल्कुल नहीं है, इसमें CD वगैरह कुछ नहीं डलता है, बिल्कुल ऐसे ही। वो जो अब तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है क्योंकि इसे नोटबुक है ठीक है, ये बिल्कुल नोटबुक की तरह है क्योंकि इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप का मतलब यही होता है कि कहीं भी आप ले जा सकते हैं इसको और कहीं भी जाकर यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इतना स्लिप बनाया जाता है, बहुत ही इसको स्ट्रिप्ट है ठीक है। जैसे कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं ठीक है, ऐसे करते हैं, जैसे कि हम इसको थोड़ा तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, चाहे वो सब्सक्राइब करें। जैसे कि मेरा लैपटॉप कैसा लगा वो आपको हमको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और जैसे कि परचेजिंग मेरी सही है या नहीं, जैसे कि हमने इसको लिया है क्योंकि इसमें ओनली आपको वीडियो क्रिएटिंग या फिर अपना पर्सनल यूज के लिए इसको मैंने परचेज किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।